मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बंगला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गंवा दिया है। तीन तीन चार चार पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल उतनी तेजी से विकास नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। और मेरे नौजवान साथियों, आपको यह भी याद रखना है कि आप उस समय पहली बार वोट करने जा रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। अब से लेकर अगले 25 साल जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आपके लिए 25 वर्ष बहुत अहम है। आपकी जिंदगी के स्वर्णिम समय है ये। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी की सरकार बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की आधुनिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन देने वाला फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा।